हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आप काफ़ी कमेंट कर रहे थे मेरी, लगभग हर वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भाई पिलियन कंफर्ट का वीडियो लेके आओ, पिलियन कंफर्ट के बारे में बताओ, लेडीज़ पिलियन कंफर्ट के बारे में बताओ। तो भाई एक्चुअल बात यह है कि मैं घर पर रहता नहीं हूँ, वरना मम्मी से पूछ लेता उनको बैठा के कि भाई आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर भाई मैं लेडीज़ कहाँ से लेके आऊँ। तो सिंपल सी चीज़ है यार, हमें खुद को ही चेक करनी पड़ेगी वो चीज़। तो अभी जतिन को लेके जाऊंगा मैं साथ में, जतिन को एक बार अभी मैं बाइक चलाऊंगा, जतिन को पीछे बैठाऊंगा और जतिन से पूछूंगा कि यार तेरे को कैसा लगा। मतलब शरीर काफ़ी हैवी है जतिन का, तो जतिन से एक बार पूछेंगे पहले कि तेरे को कैसा लगा एज ए पिलियन बैठ के। दूसरी बार जतिन बाइक चला के लेके आएगा, मैं पीछे बैठ के आऊँगा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से और जतिन को साथ ले लिया है। जतिन बैठ जा, बढ़िया तरीके से बताना जो भी तेरे को फील हो रहा हो वो। तो भाई जतिन को बैठा लिया, और जतिन के बैठाते ही थोड़ी बाइक नीचे दब गई है, ये बैठ गया यहाँ पे। भाई ये है पूरा डेढ़ क्विंटल का आदमी। और भाई साथ ही साथ पिलियन के साथ जैसे बाइक चलाते हैं तो उसमें राइडर के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रेक वगैरह यूज़ करता हूँ या फिर ख़राब रास्ता आता है तो उस पर राइडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बता दूंगा आपको, और साथ ही साथ जो पिलियन को जो फील हो रहा है वो भी आप लोगों को बताता रहूँगा। जतिन ये उबड़ खाबड़ रास्तों में ब्रेक वगैरह यूज किया तो तेरे को कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, सस्पेंशन से काफ़ी अच्छे हैं, तो फील इतना हुआ नहीं। अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो भी थी, थोड़ा फास्ट करके देखेंगे इस बार, बाकी स्लो में तो फील हुआ नहीं कुछ भी कि लगा कुछ इतना खास। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी अच्छी है? सस्पेंशन अच्छे लग रहे हैं और सीट कम्फर्ट भी काफ़ी सही है। तो चल आगे चलते हैं, फिर देखेंगे वो। तो भाई अभी तक तो जतिन को लग रहा है सब बढ़िया, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई खराब रास्ते में। भाई विद पिलियन राइडर को भी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। ब्रेकिंग वगैरह यूज़ करेंगे एक बार थोड़ा ज़्यादा स्पीड में, उस टाइम पे देखेंगे कि भाई पीछे वाला बंदा जब राइडर के ऊपर आता है तो कैसा क्या फील होता है। और विद पिलियन बाइक पे थोड़ा जोर तो पड़ता है भाई, देखो वो तो कोई भी व्हीकल हो उस पर डेफिनेटली जोर पड़ने वाला है जब हम पिलियन के साथ चलेंगे। तो अकेले चलते हैं तब अलग बात होती है, पिलियन के साथ अलग बात होती है भाई। और अभी मैं चल रहा हूँ लगभग 65-70 की स्पीड के आसपास चल रहा हूँ मैं, और विद पिलियन भाई जो बाइक की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी काफ़ी सही है। मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई बाइक अनस्टेबल हो रही है, और ये थोड़ी थोड़ी बूंदें पता नहीं कहाँ से आ रही है यारी बारिश की। और भाई मैंने अभी ब्रेक यूज़ किया था, तो ब्रेक यूज़ करते टाइम पिलियन मेरे ऊपर तो खैर नहीं आया। इन फ्यूचर अगर कभी आया और मुझे कुछ फील हुआ तो वो चीज़ मैं बता दूंगा कि यार कई बार क्या होता है, जैसे ऐसी स्पोर्टी बाइक होती है ना उसमें जो टैंक है, टैंक के पास ऐसे दब जाते हैं तो भाई थोड़ी सी समस्या हो जाती है। वो समस्या आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई वो कैसी समस्या की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी विद पिलियन भाई बाइक की स्टेबिलिटी में कोई समस्या मुझे नहीं आ रही है। जतिन बैठा है पीछे तो इसका मैं पूछूंगा अभी थोड़ा आगे चल के, रास्ते में रुक के पूछूंगा भाई थाई सपोर्ट वगैरह कैसा मिल रहा है, और बाकी तुझे खुद को फील कैसा हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भाई मैं बैठा हूँ तो मुझे कोई खास समस्या है नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पर एक बार रुकते हैं, जतिन से पूछता हूँ थाई सपोर्ट वगैरह, और दिखाता भी हूँ आप लोगों को भाई। तो जतिन अभी तू बैठ के आया है तो तेरे को कंफर्टेबल फील हो रही है सीट, या फिर क्या सीन है तेरा? सीट कंफर्टेबल है। अच्छा, नोटिस की? हाँ बता। जैसे मैं बैठ रहा हूँ एक बार ना, हाँ मैं पीछे सीट पे बैठा ना, अगर पीछे सीट पे बैठा हूँ तो वो हाँ। ग्रैब हैंडल जो पोजीशन है ना, हाँ हाँ, थोड़ी सी और अगर वाइड होती तो ज्यादा बेटर हो सकता था। अभी कंफर्टेबल है, गैंड रोड पकड़ने में इजी है, वो मेरे को लग रहा है थोड़ी वाइड होती ज्यादा बेटर हो सकता था। बाकी और कोई दिक्कत लगी नहीं, सस्पेंशन भी इसके काफ़ी सी लग रहे हैं, ऑफ रोड अपन चलाई तो कोई दिक्कत भी नहीं, ब्रेकर भी कोई दिक्कत नहीं, और ना ही हाई स्पीड पे कुछ फील हुआ कि कुछ। अच्छा, कहने का मतलब ये है ग्रैब हैंडल की जो पोजीशन है वो थोड़ी ऐसी है कि पकड़ने में
पकड़ने में इजी है। हाँ, थोड़ी सी और वाइड होती ना तो अच्छा अच्छा वाली पकड़ सकते थे, मतलब थोड़ा वाइड होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये बता, जैसे एक बार नीचे आ, तू सीट के ऊपर बैठा था तो तेरी थाइज को सपोर्ट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, वो बता मुझे। सही कंफर्टेबल लगा, शॉर्ट फॉर्म में तो मैं बता नहीं सकता, लॉन्ग रूट में पता पड़ेगा उसका तो एक्चुअल में, और शॉर्ट के हिसाब से मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगा, सिटी के हिसाब से सही लगी मेरे को। अच्छा, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी अपन ने एक छोटी सी राइड की है और अपन पहले भी बैठे हैं, खैर ऐसा नहीं है कि अपन पहले बैठे नहीं है, इस बाइक पे काफ़ी चला लिया तो बैठे भी हैं पीछे तो, लेकिन अभी तक अपन बैठे हैं थोड़ा सा दूरी पे, तो कभी लंबा चलेंगे तब लंबे का पता चलेगा। 10-15-20 किलोमीटर हमने चलाया तो कंफर्टेबल था, बाकी अब ज़्यादा चलाएंगे तो अपने और ज़्यादा बेटर पता पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो तू अब एक काम कर, अभी तू बाइक को चलाए एक बार, मैं खुद पीछे बैठ के देखता हूँ कि भाई मुझे कैसा फील होता है। अपन वापस घर की तरफ निकले कि थोड़ा आगे घूम जाते हैं, किधर भी चल ले, आगे की साइड चल ले। तो भाई एक्चुअल में मैं खुद अभी पीछे बैठ गया हूँ, और जैसे मेरा शरीर है थोड़ा लाइट वेट, पतला सा हूँ भाई मैं, तो बैठने में सीट मतलब ठीक लग रही है मेरे खुद के साइज के हिसाब से, तो कि भाई मैं पूरे तरीके से बैठा हूँ। और थाई सपोर्ट की बात ऐसी है कि भाई थाइज़ वगैरह तो खैर नहीं टिकती है, जो अपने पैर हैं वो पैर थोड़े ऊपर रहते हैं, तो यहाँ से भाई थाइज़ को कोई खास सपोर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है। और रही बात ग्रैब हैंडल्स की, तो ग्रैब हैंडल्स को भी मैंने अच्छे से पकड़ रखा है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और सस्पेंशन की क्वालिटी भी ठीक लग रही है, अभी थोड़ा सा ब्रेक वगैरह यूज करेगा तब मैं देख लूँगा एक बार, एक्चुअल जो खुद का फील होने वाला है वो बता रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को। तो भाई सस्पेंशन की क्वालिटी मुझे एवरेज लग रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लेकिन एवरेज है, सेगमेंट के हिसाब से एवरेज क्वालिटी लग रही है मुझे इसके सस्पेंशन की। और क्या है कि भाई आप लोग बोल रहे थे लेडीज़ कंफर्ट के लिए, तो भाई लेडीज़ कंफर्ट का तो यार क्या है, जब कभी घर पे जाएंगे या फिर कोई होगा तो यार बैठाएंगे, अभी कहाँ से लेडीज़ को बैठा लूँ भाई, कहाँ से लेके आऊँ लेडीज़ को, समझ रहे हो ना यार आप। तो बाकी यार मतलब शॉर्ट तरीके से तो ठीक लग रहा है मुझे, लॉन्ग राइड कभी करेंगे, जल्दी ही करेंगे इस बाइक के साथ लॉन्ग राइड, तो उस टाइम पे लॉन्ग रूट का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई अभी हम आ गए हैं, अभी एक बार जतिन से पूछ लेते हैं यार इसको कैसा क्या एक्चुअल में फील हुआ, जो चीज़ है जो मतलब तुझे अच्छा फील हुआ वो क्लियर बता, और जो चीज़ में तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेटर हो सकता था वो चीज़ भी बता भाई, मतलब कैसा क्या लग रहा है तेरे को। सबसे पहले जो हैंडल बताया था मैंने, ग्रैब हैंडल थोड़ी सी और वाइड हो सकते थे, है ना। अच्छा अच्छा, प्लस इसकी जो कुशनिंग है ना, एक बार कुशनिंग दिया भाई को, ये देखो सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक जो सस्पेंशन इसके अच्छे हैं तो बम्पी वैसे भी फील नहीं हुआ, और कुशनिंग भी सॉफ्ट है तो ज़्यादा कुछ हार्ड लगा नहीं। शॉर्ट मैं देखो सिटी के हिसाब से बताऊँ, शॉर्ट में राइडी चलानी तो उसके हिसाब से वो कम्फर्टेबल लगी, लॉन्ग का मैं एक्चुअल रूट नहीं दे पाऊँगा अभी क्योंकि मैं लॉन्ग चलाया बैठा नहीं हूँ, तो 10-15 किलोमीटर पर मुझे कम्फर्टेबल लगी। थाई का सपोर्ट थोड़ा कम लगा मेरे को, फैक्ट है जो बताऊँ आपको मैं, 10-15 किलोमीटर पता पड़ जाए थोड़ा बहुत, तो थाई का सपोर्ट थोड़ा सा कम लगा, बाकी सब सही लगा मेरे को। तो भाई पिलियन के कंफर्ट के बारे में जतिन ने आपको बता दिया है, उसका शरीर आप एक बार देख सकते हो और मेरा शरीर देख सकते हो, भाई मेरे से डबल है वो, और मैं अपना भी मैंने रास्ते में आप लोगों को बता दिया था कि कैसा क्या फील हो रहा है। शॉर्ट राइड के हिसाब से जो पिलियन कंफर्ट है वो ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड के हिसाब से भाई कैसा रहने वाला है वो जल्दी ही लॉन्ग राइड करेंगे तब आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा कि लंबा जब हम चलते हैं तो ये बाइक हमारे लिए कंफर्टेबल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। एज ए पिलियन जो राइडर कंफर्ट है, राइडर कंफर्ट डेफिनेटली सही रहने वाला है अगर वो सिंगल चलता है, तो अगर पिलियन के साथ चलेगा तो उस टाइम पे राइडर को कैसा फील होता है और पिलियन को कैसा क्या फील होता है, कंफर्टेबल रहती है कि नहीं रहती है, वो चीज़ की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर जल्दी ही लेके आऊँगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।